आज का वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पर है हमारी सब्सक्राइबर कमेंट की थी कि आप अपने फैमिली से मिलवाइए आज का टॉपिक इसी पे है दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और एकदम भले चंगे होंगे अभी सुबह के बज रहे हैं सात और हमारे यहाँ सभी लोग जो है कि साढ़े चार पाँच बजे के करीब उठ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर पशुओं को जो है कि चारा वारा खिला दिया गया है और गाय हमारी जो है कि दूध देती है तो अभी देखिए मैं जो है कि दूध दूहना सीख रही हूँ और यहाँ पर हमारी मम्मी दूध लगाती हैं डेली सुबह के टाइम सात बजे के टाइम तो देखिए अभी इनको जो है कि गौ माता को घास डाला गया है ये खा रही हैं और मैं जो है कि लगा रही हूँ हालांकि इनको मम्मी जो है कि जहाँ पर खाती हैं वहीं पे लगाती हैं लेकिन आज मैं जो है कि गौ माता को बाहर ले आई हूँ और मैं जो है कि लगाना सीख रही हूँ तो मैं तो दूर रही थी दोस्तों मुझसे जो है कि दूध बहुत ही कम निकल रहा था मतलब अभी मेरा हैबिट नहीं है ना इसलिए जो है कि कम हमसे जो है कि नहीं बन रहा था दोते तो यहाँ पर देखिए हमारी मम्मी जो है कि दूध लगा रही हैं गाय का और मेरी मम्मी का तो हैबिट है डेली लगाती हैं तो ये जो है कि जल्दी जल्दी फटाफट जो है कि दूह लेती हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दहने में मैं तो हमको लगता है एक पाव या आधा किलो के करीब दोही थी लगभग एक पाव के करीब ही दूही थी उतना टाइम में तो देखिए मेरी मम्मी जो है कि गाय को लगा ली हैं और चलिए दोस्तों अब दूध को ले चलते हैं इसको रख देते हैं और गांव में दोस्तों दूध को जो है कि मेटी में रखते हैं और इसमें जो है कि बहुत मोटा साड़ी पड़ता है तो जो है कि उसका मंठा मराता है और घी निकलता है उसका और अभी सुबह का ही टाइम है हमारी चाची अभी किचन में बना रही हैं खाना और हमारी मम्मी देखिए ये जो मकई है ना मकई को छील रही हैं ये देखिए इसमें जो है कि जो खुखड़ी है इसका इसको जो है कि छील रही हैं इसका दाना अलग कर रही हैं तो मैं भी चलती हूँ छील लें मम्मी के साथ और गाय भैंस को तो चारा डाल दिया गया है वो सब तो खा रही हैं गाय हमारी लग गई है तो इसका जो दोस्तों दाना भुजाया जाता है और इसका मुर्रा बहुत अच्छा लगता है खाने में चने के साथ इसको भुजाइए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये तो सीजनी चीज़ है हमेशा तो नहीं मिलता है जब बोया जाता है मकई तो पक जाता है उसी का दाना ये रहता है अच्छा लगता है खाने में तो देखिए हमारी मम्मी जो है कि इसको ले जाएँगी भुजाने के लिए तो यहाँ पर देखिए सभी मकई के दाने को जो है कि छुड़ा ली हैं अब इसे सूप से पछोर रही हैं इसमें जो भी थोड़ा बहुत गर्दा वगैरह है सब पछोर कर साफ कर देती हैं और यहाँ पर चना भी ली हैं तो इसको जो है कि गठिया रही हैं ले जाएँगी भुजाने के लिए तो हमारे यहाँ जो दाना भूजने वाली होती हैं हमारे घर से जो है कि काफ़ी नज़दीक हैं तो हम लोग जो है कि थोड़ा थोड़ा दाना करके भुजाते हैं और ताज़ा ताज़ा दाना खाते हैं अच्छा लगता है खाने में आज मैं आप सबको अपने पूरे फैमिली से मिलवाने वाली हूँ दोस्तों तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर हमारी मम्मी से तो आप लोग मिल ही लिए हैं और ये हैं हमारी चाची तो चाची अभी बना रही हैं खाना हमारे यहाँ चूल्हे पे ही खाना बनता है गैस पे तो नहीं के बराबर बनता है क्योंकि हमारे यहाँ गुहरी और लकड़ी की कोई कमी नहीं है तो हमेशा जो है कि चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता है और चलिए दोस्तों चाची के लड़के से मिलवाते हैं यहाँ पर देखिए कुवर और केसव तैयार हो गए हैं ये सब जा रहे हैं स्कूल तो चाची के जो है कि दो लड़के और एक लड़की हैं ये दोनों लड़के हैं अभी लड़की से आप लोगों को बाद में मिलवाती हूँ क्योंकि अभी अनिशा यहाँ पर नहीं है और चलिए अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपने भाई से इन्हें तो आप लोग देखे ही होंगे ये हमारा भाई है और मेरा सिंगल भाई है यहीं और चलिए दोस्तों आप अपने दादी के पास ले चलते हैं आप लोगों को तो मैं आई हूँ जो है कि दादी के पास दादी हमारी मशीन पे ही रहती हैं तो मैं बीच में गई थी एक बार तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी तो ये हमारी दादी हैं दोस्तों और अब देखिए शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर देखिए अनीसा है ये मेरी चाची की लड़की है और अभी देखिए सुबह का और शाम का खाना बनाने के लिए गोहरी और लकड़ी खुया वगैरह जो है कि धूप में डाल रही हैं सूखने के लिए और ये सूख गया है तो इसे जो है कि रख रही हैं ये सुबह के लिए रख रही हैं इधर और शाम का खाना बनाने के लिए जो वहाँ पर है उसको ले चलेंगे किचन में जो है कि रखेंगी तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो है कि खाना बनता है तो देखिए इसको जो है कि किचन में रख दी हैं अभी सुबह का खाना बना हुआ है तो अभी राख वगैरह नहीं निकला हुआ है देखिए अभी इसको निकालेंगी और ये देखिए ये हमारा जो है कि देसी किचन है कुछ इस तरह से है और चूल्हे पे खाना बनता है तो देखिए दीवार जो है कि थोड़ा सा काला वाला पड़ गया है तो इसको जो है कि माइंड मत लीजिएगा इग्नोर करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लिप लगाई हूँ ये कुंवर और केशव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे प्यारी बच्ची है। देखो मेरे है, मेरे प्यारी है। मेरे मेरे दादी है मेरे नानी है मेरा आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को अपने पापा से मिलवाती हूँ ये देखिए हमारे पापा हैं और मेरे पापा कैमरे में नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा सा जो है कि चुपके से ली थी अभी मैं पशुओं को चारा डालने जा रही थी तभी का रिकॉर्ड की हूँ और ये देखिए यहाँ पर गाय भैंस को चारा डाल देती हूँ और आज जो है कि हमारे यहाँ कड़ी बनने वाला है तो मम्मी और चाची खेत में गई हैं तो शाम के टाइम जो है कि अनीसा खाना बनाती है तो देखिए आज हमारे यहाँ कढ़ी बनने वाला है तो मैं और अनीसा मिलकर जो है कि कढ़ी बना रही हूँ चावल और रोटी तो पक गया है अभी जो है कि कढ़ी बनाना बाकी है तो देखिए दोस्तों अभी जो है कि किचन में काफ़ी अंधेरा हो गया है और मैं जो है कि यहाँ पर फ्लोरी छान रही हूँ और हमारे यहाँ जो है कि कढ़ी ऐसे ही बनाई जाती है पहले बेसन को जो है कि अच्छे से फेटा जाता है बेसन में हल्दी नमक और अदरक लहसुन ये सब पेस्ट डालकर बढ़िया से फेट कर तैयार कर देते हैं और इसके बाद जो है कि इस तरह से तेल में डालकर फ्राई करते हैं और फिर कढ़ी का ग्रेवी बनाते हैं उसी में फ्लोरी को डाल देते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ कढ़ी बनाई जाती है शाम हो गई है और देखिए कैमरे में काफ़ी अंधेरा आ रहा है तो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ये देखिए हमारे चाचा जी हैं तो मैं अपने पूरे फैमिली से आप लोगों से मिलवा दी हूँ और आज का ये ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ धन्यवाद